सर्व अमरावतीकरांच लक्ष ज्या निवडणुकीकडे लागलं आहे तीच अमरावती लोकसभा निवडणुकीच्या आता मतमोजणी 4 जूनच्या सकाळी 8 वाजतापासून सुरुवात होणार आहे. अमरावतीचं संपूर्ण नागरिकांचं याच निवडणुकीच्या मतमोजणीकडे लक्ष लागलेलं आहे. आता 2 दिवस शिल्लक राहिले असताना प्रत्येक गल्ली बोळामध्ये अमरावती लोकसभा निवडणुकीच्या चर्चेला उधाण आलेलं आहे. कोणाच्या मनात नवनीत राणा तर कोणाच्या मनात बळवंत वानखडे तर इतर काही म्हणा शिटीचे उमेदवार दिनेश भाऊचं नाव चर्चेत येत आहेत. आणि यासोबत आता प्रत्येक अमरावती जिल्ह्यातील गल्ली बोळीमध्ये सुद्धा अमरावती जिल्ह्यात चर्चेला उधाण आलेलं आहे की याच अमरावती जिल्ह्यामध्ये लोकसभा निवडणुकीमध्ये कोण बाजी मारणार, कोण कलाटणी घेणार, की कोणत्या पक्षाचा उमेदवार हरणार, हे संपूर्ण चर्चेला आता प्रत्येक अमरावती जिल्ह्यातील गावखेड्यामध्ये शहरामध्ये उधाण आले आहेत. दर्शकांनो पाहूया या 2 दिवसाच्या अवधीमध्ये आता अमरावती शहरामध्ये नागरिकांचा कौल कोणत्या उमेदवाराकडे दिसून येत आहे. क्या ये संविधान बचाने की अमरावती में लड़ाई हुई, मुझे ऐसा लगता है क्या बलवंत वानखडे की विजय झाली. आपको क्या लगता है अमरावती लोकसभा से कौन आ सकता है? कांग्रेस का है. हाँ, ऐसा क्यों? वोट तो सारे कांग्रेस को मिले. ये अमरावती जो जिला है ये शांतिपूर्ण वाला जिला है. उसमें ये जो हमारे आमदार खासदार साहब थे उन्होंने अलग टाइप की जैसा राजकारण किए यहाँ पर, तो ये अमरावती ज़िले में ये सब नहीं चलता है. यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है और यहाँ पे सब मिलके कारोबार एक दूसरे के साथ करते हैं. इसलिए सभी समाज ने इस चीज़ का विरोध किया और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कांग्रेस को वोट दिया. से तब कांग्रेस को वोट गए हुए, इससे ज्यादा सबों ने हिंदू मुसलमान ने सबों ने कांग्रेस को डाले. आपको क्या लगता है अमरावती लोकसभा चुनाव से कौन जीतेगा? बीजेपी. पंत वानखडे निकलेंगे पंजा कांग्रेस. तीन उम्मीदवार है, उसमें से आपको ऐसा कौन लगता है कौन आ सकता है? कोई भी आ सकता है, पंजा भी आ सकता है, कमल भी आ सकता है. ज्यादा चांसेस? ज्यादा चांसेस कमल के लग रहे हैं. अपने अमरावती में बड़ों तो वानखडे आने वाले हैं, बाकी कोई नहीं आएगा. इतना हमारे से लिख के लो तुम, क्योंकि हम दिन भर इधर के उधर घूमते रहे. ऑटो वाले ऑटो से रिक्शा चलाते इसलिए बोल रहे कि आएंगे तो बड़वंत वानखडे अमरावती में आएंगे, नहीं तो कोई चुन के नहीं आ सकता. आताच्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस आले तर बरं, कारण की रोजगार तर सध्या आहे नाही आणि जॉब वगैरे पण सध्या आहे नाही, अवेलेबल आहेच नाही. नाही म्हटलं तरी एज्युकेशनच्या बाबतीतही आपण कमी आहे. काँग्रेस आम्ही इंस्टाग्रामवर पाहतो, इंस्टाग्रामवर जास्त फॅन फॉलोइंग काँग्रेसची आहे. बीजेपी आएंगे तो सरकार, क्योंकि इधर उन्होंने काम अच्छा करा है वो ही आनी चाहिए, हम ऐसा बोलना चाहते हैं. धन्यवाद. आपको क्या लगता है लोकसभा इलेक्शन से अमरावती में से कौन जीत कर आ सकता? कांग्रेस आनी चाहिए. ऐसा क्यों? भाजपा ने करी क्या लोगों के लिए? इस बार लोकसभा में कांटे की टक्कर थी, लेकिन जिस तरह से मोदी जी की मेहनत दिख रही है उस हिसाब से नवनीत भाभी के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं. वैसे फिर भी 4 तारीख तक कुछ बोला नहीं जा सकता. अमरावती से बलवंत वानखडे पंजा, हमें लगता है अच्छे है, काम भी अच्छा है, जातिवाद नहीं है. बस अपने को जातिवाद नहीं होना. कैंडिडेट कोई भी रहे भाई, काम काम करो, अपना ये बोलना है.